हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा विविध पार्ट फोर। हम डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट बुक में से कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए। इस बुक का कारवा, इस बुक को स्टार्ट करे हुए काफ़ी समय हो चुका है। काफ़ी समय इतना भी नहीं, केवल 1-2 महीने अभी हुआ है शायद इसको स्टार्ट करे हुए। तो इसके काफ़ी सारे पार्ट अपडेट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे अब हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो क्या कंप्लीट हुआ है, कितना कंप्लीट हुआ है, कितने वीडियो बने हैं, कितने वीडियो नहीं बने हैं, वो सब आप देखिएगा प्लेलिस्ट में। आप जाइए लूसेंट जीके की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप वॉच करना। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब वो बाद में करना, वो बात की बात है आपके लिए। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं और अगर आपके पास ये बुक है तो सबसे पहले इस वीडियो को यहीं पॉज करके अपने पास में रखिए ये वाली बुक, और अपने हाथ में रखिए एक हाईलाइटर, या फिर अगर हाईलाइटर नहीं भी है तो पेन तो होगा, पेन रखिए अपने पास में और इस बुक को अंडरलाइन कर कि क्या क्या टॉपिक आपको अंडरलाइन करना है वो सब मैं आपको बता दूंगा अभी इस वीडियो में, ठीक है। और एक जरूरी सूचना और कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो तो आप डिसाइड कर लेंगे बाद में करना है नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने काफ़ी टाइम से सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन अगर आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, वीडियो की कोई मैसेज नहीं मिलता है आपको यूट्यूब पर, तो आप करिए सबसे पहले एक बेल आइकन पर क्लिक, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर जो भी सब्सक्राइबर चैनल का अगर बेल आइकन पे क्लिक नहीं करता है तो उसको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप बेल आइकन पे क्लिक करें, और वीडियो पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो रही बात देखिए पेटीएम की, अगर आप एक वर्कर हैं, जॉब करते हैं, तो आप हमारे चैनल को कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं पेटीएम के माध्यम से। पेटीएम नंबर मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। भारत की प्रतिरक्षा पहला टॉपिक हमारा होगा, भारत की प्रतिरक्षा। ये टॉपिक आपको बुक में कहाँ मिलेगा, सबसे पहले आप जाइए अपनी विषय सूची में बुक के स्टार्टिंग में, वहां पे आप सर्च करना विविध, विविध में आप देखेंगे भारत की प्रतिरक्षा, पेज नंबर ब्रैकेट में लिखा होगा, आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। कैसे सर्च करना है वो मैंने आपको बता दिया, और इतना शायद आपको आता होगा। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे कि भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है। सेना किस लिए काम आती है, सेना का काम आती है किसी भी देश की रक्षा करने के लिए, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर यह भी पूछ लेता है कि रक्षा जो है, सेना का गठन जो करा जाता है उसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, या आपसे ये पूछेगा कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है, उसका नाम बताइए, तो उसका नाम है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये आपके ए टू जेड जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे ग्रेड डी का हो, चाहे ग्रेड बी या सी का क्यों ना हो, तो वहां पे ये सभी पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं। ये सभी पॉइंट हर एग्जाम में काम आएंगे। तो अगला जो है देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का अग्रलिखित 3 भागों में बांटा गया है। अग्रलिखित आप मत करिए फोकस, केवल सिंपल देखिए कि भारतीय जो सेना होती है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला है आपका थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ठीक है। तो इसमें थल सेना में कितने कमांड में बांटा जाता है, थल सेना को बांटा जाता है कितने कमांड में, 7 कमांड में। तो 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ 3 यहाँ, मतलब पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है। अब थोड़ा सा हमको मुख्यालय के बारे में पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में मुख्यालय के बारे में भी पूछ लेता है। सबसे पहले हमसे पूछता है वो मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, या थल सेना मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है आपका लखनऊ में। और उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रेनिंग कमांड के बारे में, ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, ये है आपका शिमला में। और उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर जल सेना के बारे में। जल सेना मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3 भाग होते हैं ना सिक्योरिटी के हमारे। तो नेवी का क्या है, नेवी का इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और मैक्सिमम हेडक्वार्टर ही पूछता है आपका जल सेना का, तो ये है आपका दिल्ली में। और इसका प्रधान कौन होता है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अब हम बात करते हैं उसके बाद में
वायुसेना, तो वायुसेना का प्रधान को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। अगर कोई व्यक्ति आपको सामने आता है और आपसे ये कहता है कि मैं एयर चीफ मार्शल हूँ, तो समझो वो कि एयर फोर्स का सबसे हाईएस्ट रैंक की पोजीशन में बैठा हुआ वो पर्सन है। तो एयर चीफ मार्शल क्या होता है, हायर रैंक का पर्सन होता है ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इसका एक्चुअली कमांड वगैरह नहीं पूछता एग्जाम में, तो मैंने इसलिए इसको हाईलाइट नहीं करा है। और आगे हम बात करते हैं, फिलहाल प्रशिक्षण संस्थान कौन कौन सी कहाँ पर है आपको याद रखना है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, स्थान कहाँ पर है इसका, मतलब ट्रेनिंग सेंटर इसका कहाँ पर होगा। अगर आपका एनडीए में कहीं पर पोस्टिंग वगैरह होती है तो आपको ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा खड़कवासला में, ठीक है। और उसके बाद में नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर है, ये है आपका न्यू दिल्ली में। तो नेशनल डिफेंस कॉलेज भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता, तो आप याद रखना है इसको। बस इसमें आपको इतना याद करना है। अब हम बात करते हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है। देखिए हमको पता है जल सेना, थल सेना, वायु सेना क्या करती है, सिक्योरिटी रखती है हमारे पूरे इंडिया की, ठीक है। सिक्योरिटी इनके हाथ में होती है, बाहर की जो भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक एनसीसी वगैरह कुछ सुरक्षा व्यवस्था और भी बनाई गई है भारत की रक्षा के लिए। जैसे एनसीसी है, एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। और इससे पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, हमको अन्य जो भी प्रतिरक्षा जो हमारे संगठन है, संस्थाएं हैं अन्य, तो हमको उनका नाम पता होना चाहिए और उसकी स्थापना वर्ष क्या है, उसका आदर्श वाक्य अगर है तो हमको आदर्श वाक्य के बारे में पता होना चाहिए। एनसीसी, शायद आपने एनसीसी वगैरह ज्वाइन करी होगी, अगर आपने करी है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको इसके बारे में कुछ पता होगा। और इसका आदर्श वाक्य तो आपको पक्का पता होगा, क्योंकि आदर्श वाक्य जब स्टार्टिंग में जब प्रे वगैरह होती है तो उस टाइम पे ये आदर्श वाक्य बुलवाते हैं। तो एक आदर्श वाक्य क्या है, एकता और अनुशासन। फिर हम बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल, स्थापना 1965, मुख्यालय है इसका दिल्ली में। फिर हम बोलते हैं एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी की फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, स्थापना हुई थी इसकी 1969 में। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना हुई थी 1939 में। कब हुई थी, 1939 में। अब हम बात करते हैं स्थापना वर्ष और मुख्यालय की, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1939 में। अभी हमने ऊपर देखा था ना यार, सेम देखो यार, इसलिए मैंने उसको अप करा था, ये अभी मैंने देखा था पूरा, तो ये चीज़ अब सामने नीचे रिपीट हो गई है, ठीक है। और है आपका आईटीबीटी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई थी, 1962 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। फिर हम बात करते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान कहाँ पर हैं, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये है करनाल में। अमूल डेयरी, अमूल मिल्क, ये सब प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये होता है आपका करनाल में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, ये है आपका न्यू दिल्ली में। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ट्रॉम्बा में। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग है आपका देहरादून में। और भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे में। तो आपको इन सब में से, मतलब कि टोटल 54 है, 54 में से आपको बस केवल ये चार पांच ही रीड करने हैं। और उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है और भारतीय दलहन शोध संस्थान है आपका कानपुर में। देखिए बस केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कभी कभी बच्चों मेरे पास एक्चुअली कॉल वगैरह आती हैं, जो मैंने पेटीएम नंबर दे रखा था उसमें बच्चे कॉल कर लेते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उसमें कॉल मत करा करें, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल आ रही है, वो मेरे एक्चुअली पर्सनल नंबर थे, या तो मुझे नंबर वो बंद करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी बात मुझसे शेयर करनी है, आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और कॉल करके बच्चे मुझे क्या डिस्कस करते हैं, अपने कैरियर के प्रति कम बातें करते हैं और यहाँ वहाँ की बातें फालतू ज़्यादा करते हैं, कि सर आपका यूट्यूब चैनल पर, आपने फेसबुक में अकाउंट क्यों बना रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों नहीं हो, इससे ये होता है वो होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से एक्चुअली टाइम बहुत वेस्ट होता है। अगर मैं फेसबुक बना के बैठ जाऊँगा, अगर ठीक है फेसबुक मैंने बना भी रखा है, अभी फिलहाल मैंने हाल फिलहाल ये 15 अगस्त पर बनाया था मैंने, तो इन सब चीज़ों में रिप्लाई कर करके बहुत टाइम खर्च होता है, अपने पर्सनल काम बहुत सारे होते हैं, तो मैं इसलिए ये चीज़ें व्हाट्सअप ग्रुप, भाई व्हाट्सअप ग्रुप क्यों चाहिए बताइए, वहाँ पर लड़की लड़कों के नंबर शेयर हो जाएंगे आपस में, फिर वही
यहाँ वहाँ की टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, जी लड़की लड़का ये सब मुझे फालतू काम नहीं करने हैं, ठीक है। ये सलाह वगैरह अपने पास रखिए, अगर कोई एजुकेशन संबंधित कोई बात पूछनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप मत करना, फिलहाल आप मुझे डायरेक्ट करना SMS। तो आपसे निवेदन है मेरा ये कि आप ये फालतू फंड की बातें मुझसे प्लीज़ ना करें। और कुछ बच्चे मुझसे ये कहते हैं सर ये इतना स्किप क्यों कराते हो, जैसे आपने ऑडियो में पढ़ा सेम वीडियो में पढ़ो और हर चीज़ को हाईलाइट कराओ। भाई वाह भाई, मुझे क्या कितना लगता है सही, मैं अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहता हूँ। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर आप कहाँ जॉब करते हो, जी मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, ठीक है सैलरी कितनी मिलती है, ये लो छोड़ो। और जिन बच्चों को हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है तो उनको हर चीज़ इम्पोर्टेंट के लिए मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक नरोलैक का डब्बा आता है, बॉक्स आता है पेंट का, उसको डुबोइए और ये सब पूरे पेज पे फैला दीजिए, ठीक है। आपके लिए हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक पेंट लेंगे तो आपका जो आपका इम्पोर्टेंट जो पूरा पेज बनेगा ना वो ख़राब नहीं होगा, पानी से आपका वो बच जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक पेंट ही परचेज करना, उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा बस। कभी कभी अजीब लगता है बच्चों ऐसा, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास में आते हैं तो। बात करते हैं देखिए भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में, सितार पंडित रविशंकर, विलायत खां, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछता है, वो क्वेश्चंस ये पूछता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा विलायत खां जो ये व्यक्ति हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से है या किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, तो ये रखते हैं सितार से। फिर आपका जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज का संबंध है तबले से। ये क्या है, ये है तबला वादक। तो आपको एग्जाम में चार ऑप्शन देगा, सितार, तबला, बांसुरी, सरोद। तो इसलिए आपको कुछ पर्सनैलिटी के नाम याद होने चाहिए। ये ढेर सारी पर्सनैलिटी है, देखिए आप कितने नामों को दिखाई दे रहे हैं, इतने नाम आप कहाँ तक याद कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रा बेस्ट यही होगा कि आप इसको याद करें, कम याद करना। बिस्मिल्ला खान सेनाई, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस रहे हैं ये। उसके बाद में है आपका उस्ताद बिंदु खान, उस्ताद बिंदु खान है आपका सारंगी। उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है, ये है आपका सारंगी से। तो बच्चों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। आप फेसबुक पे हमारे कनेक्ट हो सकते हैं, आपके जो भी फ्रेंड हैं वो पूरा फेसबुक का लिंक आप अपने फेसबुक ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं उन सबके साथ शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 ये पेटीएम नंबर को आप, मैं अगेन बोलता हूँ कि उसको आप इस तरह से कॉल मत करना क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही मुझे कभी कभी समझ नहीं आ रहे हैं। अब जो कॉल आ रही है ना काफ़ी टाइम से, मैं देख रहा हूँ कि 8, 10, 15, 20 दिन से बच्चे पेटीएम नंबर मतलब पेटीएम के लिए है ना कि वो कॉल के लिए है, बच्चे कॉल कर करके बहुत परेशान कर रखा है मुझको। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरी बातों को समझना, मेरी तकलीफ को समझना। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।